हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो अभी जो हम गेम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉट ऑफ गोल्ड पॉट ऑफ गोल्ड को हम कितने नंबर ऑफ प्लेयर खेल सकते हैं हम टू थ्री और फोर प्लेयर्स खेल सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है और इसके साथ साथ हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है जो सबसे पहले पॉट ऑफ गोल्ड में पहुँच जाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा सो so, हमारे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर ये स्टार्टिंग में होता है सो पॉट ऑफ गोल्ड में हमारा सबसे पहले होता है कि आपने डाइस को रोल किया इसको हम एक डाइस से खेलते हैं एक डाइस से खेलने का मतलब है आपका जैसे फाइव आया आप वन, तो आप इसमें फाइव नंबर हट जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो आप ये यहाँ पे फाइव नंबर आ जाएंगे अब पिंक का कुछ डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे पिंक ब्लू ब्लैक वाइट लाइट पिंक है लाइट पिंक को आप वाइट बोल सकते हैं सो so, अगर इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग है मैं आपको इनके एक बार मीनिंग्स बता देती हूँ ब्लू का मतलब है कि आपको दो स्पेस आगे जाना है और आपने एक पजल को सॉल्व कर लिया अब आपको दूसरे क्लू को पता करना है पिंक का मतलब ये करना है आपको अपनी एक और चांस का वेट करना है आप उसके बाद चल सकेंगे ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेप पीछे चलना है और आपको अपने किसी इक्विपमेंट को आप भूल चुके हैं आपको उसको ढूंढना है तो पिंक आप यहाँ पे आए तो आपको एक स्टेप पीछे जाना होगा ग्रीन का मतलब होता है आपको एक स्टेप पीछे जाना होगा और मिसिंग इक्विपमेंट को ढूंढना पड़ेगा वाइट का मतलब होता है कि आपको एक टर्न लेना है और आप लैंड बैग जो है आपका बिल्कुल अपनी जगह पे है और ब्लैक का मतलब ये होता है कि आपको फिर से स्टार्ट करना है आप कुछ भूल गए हैं सो so, इस गेम का इतने ही रूल्स हैं जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और आपको यहाँ पे पॉट ऑफ गोल्ड में पहुंचना है जो अगर आप पॉट ऑफ गोल्ड में जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा ये गेम बहुत सिंपल है आपको बस डिफरेंट कलर्स के मीनिंग याद रखने हैं उसके बाद आप इस गेम को जीत जाएंगे सो दिस वाज ऑल फॉर पॉट ऑफ गोल्ड गेम आई होप यू लाइक माई वीडियो इन केस यू हैव एनी एनिक्वारी यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन टल माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय